आज हम बात करेंगे चित्तौड़ की रानी पद्मावती की। भारतवर्ष के इतिहास में अनेकों कहानियां ऐसी हैं जिनके ऐतिहासिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये कहानियां हमारे दिलों पर राज करती हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत प्राचीन कहानी है चित्तौड़ की रानी पद्मावती की, जो प्राचीन काल से ही अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती है। चित्तौड़ के राजा राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती अपने रूप की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता ही रानी पद्मावती की इस ऐतिहासिक कहानी का कारण बनी। आइए जानते हैं कि इतिहास में अंकित होने वाला ये ऐसा क्या प्रकरण था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये उस वक्त की बात है जब दिल्ली के तख्तो ताज पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। जब बादशाह को जादूगर राघव चेतन द्वारा रानी पद्मावती की चकित कर देने वाली खूबसूरती के बारे में पता चला, तो उनके मन में रानी को पाने की गहन इच्छा जाग उठी। आपको बता दें कि राघव चेतन राजा रतन सिंह के महल में संगीतकार था, लेकिन वो एक जादूगर भी था। ये बात कोई नहीं जानता था। जब एक दिन उसका ये कृत्य रंगों हाथों पकड़ा गया, तो उसका मुंह काला करके उसे महल छोड़ने का आदेश दिया गया। राघव चेतन ये अपमान सहन नहीं कर सका और रतन सिंह से बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की शरण में दिल्ली पहुंचा। इसके लिए उसने रानी पद्मावती को निशाना बनाया। जब उसने रानी की खूबसूरती का बखान किया, तो खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना कई महीनों तक चित्तौड़ के किले के बाहर डेरा डाली रही, परंतु उचित तौर पर कोई आंच नहीं आई, क्योंकि दुर्ग का निर्माण कुछ ऐसे किया गया था कि आवश्यकता की सारी वस्तुएं किले के अंदर मौजूद थी। अंततः सुल्तान की सेना का सब्र टूटा और सेना को वापस लौटना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को पैगाम भेजा, वो एक बार रानी का दीदार करना चाहता है। इस बात से राजा रतन सिंह हैरान तो नहीं हुए, पर राजा का कहना था कि ये राजपूती मर्यादा के विरुद्ध है। राजपूतों की स्त्रियां पराए पुरुषों के सामने नहीं आती। पैगाम में लिखा था कि जिस रूप में दीदार के लिए खिलजी दिल्ली से चित्तौड़ आया, अगर उस रूप की एक झलक भी मिल जाए तो उसका सफर सफल हो जाएगा। और उसने वादा किया था कि एक बार देखने के बाद मैं दिल्ली वापस लौट जाऊंगा। जब रानी तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बहुत सोचने के बाद प्रजा के हित के लिए रानी ने तय किया कि वो अपने महल की सीढ़ियों पर आएंगी और सामने लगे एक कमरे के आईने में अलाउद्दीन रानी का प्रतिबिंब देखेगा। इस प्रकार ना तो राजपूती मर्यादा का उल्लंघन होगा और सुल्तान की बात भी रखी जाएगी। शर्तानुसार रानी सरोवर के मध्य बने महल की सीढ़ियों पर पहुंची, और दूसरी तरफ रानी को इतनी दूर से आईने में देखकर ही सुल्तान के होश उड़ गए। रानी की एक झलक पाने के बाद खिलजी ने राणा रतन सिंह से इजाजत ली और दिल्ली की तरफ रुख किया। अतिथि देवो भव का पालन करते हुए राणा सुल्तान को विदा करने बाहर तक आए और बातों ही बातों में दुर्ग के साथ तो दो द्वार पार कर पहाड़ी के नीचे आ गए। मौका देखकर सुल्तान ने अपनी सेना को इशारा किया और राणा को बंदी बना लिया। महल में संदेश भेजा गया कि यदि राजा जीवित चाहिए तो रानी पद्मावती को सुल्तान के सामने पेश होना पड़ेगा। रानी के लिए अत्यंत संकट का क्षण था। उसने अपने मायके के संबंधी गोरा नाम के वृद्ध व्यक्ति को बुलाया। गोरा तथा उसका भतीजा दोनों रानी की मदद के लिए पधारे। रानी ने सुल्तान द्वारा किए गए धोखे की बात गोरा के सामने रखी। एक लंबी चर्चा के पश्चात रानी के कहे अनुसार गोरा ने खिलजी को संदेश पहुंचाया कि रानी दिल्ली जाने के लिए तैयार है, लेकिन जाने से पहले कुछ देर राणा से मिलना चाहती है। संध्या के समय चित्तौड़गढ़ के 100 पालकियां उतरी। खिलजी को भरोसा हो गया कि रानी पद्मावती उसकी खिदमत में पधार रही हैं। सुल्तान को बताया गया कि रानी की सखियां उसे विदा लेने आई हैं। रानी की पालकी को एक बंद तंबू में उतारा गया और राजा को रानी से मिलने की इजाजत दी गई। जब राणा ने लज्जित होकर रानी से माफी मांगी, तो जवाब मिला कि वो रानी नहीं बल्कि रानी के वस्त्रों में गोरा का भतीजा बादल है। बादल ने राणा की जंजीरें काटकर उसे आजाद किया और बाहर खड़े घोड़े के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले में भेज दिया गया। जब तक खिलजी को इस षड्यंत्र की खबर हुई, तब तक राणा ने दुर्ग में प्रवेश कर लिया था। उधर गोरा तथा बादल सहित पालकी में सवार सभी सैनिकों ने सुल्तान की सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जहां सुल्तान की लाखों की संख्या में सेना थी, वहां चित्तौड़ की हजारों की सेना कहां तक संघर्ष करती। अलाउद्दीन धीरे धीरे किले के दरवाजे पार कर अंदर प्रवेश करने लगा। उधर किले में मौजूद बालक तथा युवा से लेकर वृद्धों तक सभी अंतिम युद्ध के लिए कमर कसे हुए थे। जब राजपूत स्त्रियों को पराजय का आभास हो गया, तो खिलजी की शरण में जाने से बेहतर उन्हें अपने प्राण त्यागना लगा। और जहां एक और पुरुष युद्ध की तरफ निकल पड़े, तो स्त्रियों ने अपने लिए चिताएं तैयार की। जौहर की तैयारी के बाद स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई एक एक करके चिता में कूद गईं। दूसरी ओर केसरिया रंग के वस्त्र पहने हुए राजपूतों के सैनिक सुल्तान की सेना के साथ वीर गति को प्राप्त होते रहे। सवों के ढेर पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने महल में प्रवेश किया, तो वहां एक विशाल चिता मिली और इस प्रकार रानी पद्मावती की बहादुरी की मिसाल को इतिहास के पन्नों पर
स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। दोस्तों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास की रोचक कहानियों का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।